नमस्कार, मैं हूं आकाश वत्स। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस बार होली का रंग ऐसे चढ़ा कि किसी के लिए सब फीका फीका हो गया तो किसी के लिए सब कुछ रंगीन हो गया। वैसे राजनीति में ना तो कोई किसी का दुश्मन होता है, ना ही कोई किसी का दोस्त, लेकिन बगैर दोस्ती ना तो राजनीति का रंग चढ़ता है और ना ही किसी का रंग उतारा जा सकता है। खैर, सवाल यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो हुआ है उसके लिए असल में जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है, किसकी वजह से यह सब कुछ मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो इस सवाल का एक लाइन में जवाब है कि इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। लेकिन कैसे, तो इसके पीछे की कहानी जानने के लिए काफी पहले से शुरू करना होगा, क्योंकि जिस पटकथा का अब अंत होता दिख रहा है उसकी शुरुआत काफी पहले यानी उस दिन ही शुरू हो गया था जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत मिली थी विधानसभा चुनाव में। जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो कमलनाथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन सीएम पद के लिए उनका कोई नाम नहीं था। यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करके कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। इस बीच एक और नाम बहुत तेजी से चलने लगा था और वो नाम था दिग्विजय सिंह का, लेकिन कांग्रेस पार्टी दिग्गी राजा को मध्य प्रदेश में सीएम बनाने की कोशिश भी करती, इसकी कोई गुंजाइश किसी को भी दिख नहीं रही थी। हालांकि ये नाम बहुत तेजी से चला क्योंकि दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ है पार्टी को अभी तक इसका अंदाजा ठीक से चल ही नहीं पाया, और इसके बाद से कभी कांग्रेस मध्य प्रदेश में सही से परफॉर्म तक नहीं कर पाई है। ऐसे में दिग्विजय सिंह के नाम पर बहुत कुछ होता इसकी संभावना बहुत कम थी। अब जरा एक और कनेक्शन जानिए कि सिंधिया परिवार का सियासी करियर कैसे कांग्रेस से जुड़ा, लेकिन बाद में या तो उन्हें पार्टी से जाना पड़ा या फिर पार्टी ने उन्हें निकाल दिया। कहते हैं कि कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया के साथ भी यही किया था और माधवराव सिंधिया को कांग्रेस से निकलना पड़ा था। उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी और ये उस वक्त की बात है जब माधवराव सिंधिया और राजीव गांधी की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। उसी तरह से राजमाता सिंधिया ने तो उस समय द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार ही गिरा दी और गोविंद नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बनवा दिया था। उसके बाद राजमाता सिंधिया कभी कांग्रेस में लौटी नहीं और जनसंघ में जाकर जनसंघ की बड़ी नेता बनी। अब जरा जानिए कि आखिर कांग्रेस पार्टी ऐसा क्या कर रही थी जिससे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ठेस पहुंच रही थी और मध्य प्रदेश कांग्रेस में इतना कुछ होता चला गया। पिछले विधानसभा चुनाव में सबको लग रहा था कि यदि कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीट लेकर राज्य में आती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन हुआ क्या, कमलनाथ को सीएम बनाया गया और इसके लिए एक बड़ा सा बैनर लगाया गया था कमलनाथ के घर के सामने। यह उस दिन की बात है जब चुनाव परिणाम आ रहे थे। कांग्रेस की भारी जीत पर जनता का अभिनंदन, यही लिखा हुआ था उस बैनर पर। इस होर्डिंग को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में बहुत कुछ कहा जाने लगा और तेजी से लोगों के बीच संदेश फैला कि कमलनाथ ही मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। यहीं से ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। कांग्रेस और सिंधिया परिवार के बीच किस तरह का राजनीतिक रिश्ता है, इसे सियासी जानकारों के शब्द में समझाऊं तो एक तरह का सौतेलापन है। असल में सिंधिया राजघराने के प्रति विंध्य, मध्य भारत, ग्वालियर और इंदौर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कांग्रेस नेताओं में एक खास तरह का भाव है जिससे सौतेलापन झलकता है। कहा जा सकता है कि इन नेताओं की कोशिश रहती है कि सिंधिया घराने के किसी भी व्यक्ति को मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रभावी ना होने दिया जाए और इसमें वो अब तक सफल भी होते आए। अब सवाल है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस ने ऐसा ही व्यवहार किया है, तो गलत नहीं होगा इस सवाल का जवाब जब आप किसी मध्य प्रदेश कांग्रेस के करीबी से भी पूछेंगे तो आपको बहुत आसानी से जवाब मिल जाएगी। ये भी कहा जाता है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जब सिंधिया चुनाव हार गए तो सिंधिया को चिढ़ाने के लिए उनकी पार्टी के ही विरोधी नेताओं ने जमकर खुशी मनाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिंधिया जबरदस्त तरीके से नाराज होने लगे। अब जरा ताजा विवाद भी जान लीजिए, तब पता चलेगा कि सिंधिया का कांग्रेस छोड़ने का फैसला किस बात की ओर इशारा करता है। अभी राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी नहीं सोच रही थी, खासतौर से कांग्रेस आलाकमान ये नहीं तय कर रही थी कि सिंधिया को राज्यसभा में लाया जाए या नहीं लाया जाए। फिलहाल की राजनीति में कांग्रेस की एक दिक्कत है कि वहां कोई लीडरशिप नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और सरकार दोनों ही दिग्विजय सिंह चला रहे थे। दिग्विजय सिंह का हस्तक्षेप किस कदर पार्टी में था, इस बात की मिसाल आप इस बात से जान सकते हैं कि वन मंत्री उमंग सिंगार ने कांग्रेस अध्यक्ष
सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था। जिक्र यह था कि दिग्विजय सिंह ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि एमपी सरकार के मंत्री उन्हें आकर मिला करें ताकि उन्हें पता चले कि सरकार और किन विभागों में क्या कुछ चल रहा है। इन सारी बातों से साफ है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कितना कुछ बिगड़ गया था, किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। तभी कहते हैं कि कांग्रेस पहले मध्य प्रदेश में विशेष पार्टी थी, फिर शेष बची, और अब अगर सरकार गिर जाएगी तो सिर्फ अवशेष बच जाएगी। नमस्कार। मंच पे आसीन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहेब, भारत सरकार के यशस्वी मंत्री और मेरे भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे गृह राज्य से उपस्थित विनय सहस्त्रबुद्धे जी, हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा साहेब, अनिल जैन जी, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, जय पांडा साहेब, जफर इस्लाम साहेब और मंच पर आसीन सभी गणमान्य सदस्यगण, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम आदरणीय नड्डा साहब को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया, एक स्थान दिया। मेरे जीवन में दो तारीखें बहुत महत्वपूर्ण रही। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं, और मेरे जीवन में वो दो दिवस, पहला दिवस 30 सितंबर 2001 जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया, एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए, और उसी के साथ दूसरी तारीख 10 मार्च 2020 जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है। मैंने सदैव माना है जिंदगी में कि हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मेरे पूज्य पिताजी ने, और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय हमें मुझे मिला है, प्राणपण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है। भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा
लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है।